आज गुसानी आज चले जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी मैं आ गया अपने छत वाले सेटअप पे, छोटे से मिनी जू में, कि आज है ना हमने अपनी जो मुर्गियां जो अंडे वगैरह दे रही थी उन सब के अंडे मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे जी एक छोटी सी टोकरी पे, क्योंकि आज हमने ना अपने अंडों को है ना इनक्यूबेटर में हैच करवाना है। तो हमें है ना अपने मुर्गी के अंडों को हैच करवाने के लिए एक चाहिए था इनक्यूबेटर। तो अभी जाएंगे जी थोड़ी देर के लिए मार्केट में, थोड़ी देर बाद मार्केट में जाएंगे, मार्केट से लेके आएंगे एक अच्छा सा इनक्यूबेटर अपनी मुर्गी के लिए, छोटा सा जिसमें कम से कम 30 से 40 अंडे या 20 अंडे आते हो। तो अभी जल्दी से ना अपनी बाकी परिंदों को खोल लेते हैं और फिर जल्दी से आएंगे जी मार्केट, मार्केट से लेके आएंगे एक इनक्यूबेटर जिसमें हम अपने अंडों को कराएंगे जी हैच। परिंदों को मैं निकाल लेता हूँ जी भाई, क्योंकि इन्होंने है ना बहुत शोर डाला हुआ आज बच्चे, तो भाई जी आज से ज्यादा तंग कर रहे हैं इनका। मैंने अभी इंशाल्लाह जुमे को है ना हल निकालना है लाजमी। अच्छा दोस्तों, मुर्गियों और परिंदों को है ना मैंने खोल दिया जी बाहर, अभी जल्दी से है ना चलते हैं जी दुकान में। दुकान से जाके ना हमें पता चला है कि एक संगी मेरे के पास पड़ा हुआ इनक्यूबेटर, जाके चेक करते हैं जी इनक्यूबेटर वो वाला से अगर पसंद आ गया तो वही इनक्यूबेटर ले आएंगे जी, 40 सेंटों वाला कह रहा है। अभी जल्दी से चलते हैं जी दुकान पे, चेक करते हैं जी इनक्यूबेटर वगैरह हमें पसंद आता है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, इनक्यूबेटर मैं ले आया हूँ घर, अभी जल्दी से है ना सबसे पहले इनक्यूबेटर को नीचे रखते हैं, इसके अंदर लगाते हैं जी बल्ब वगैरह और इसकी करते हैं जी सेटिंग। ऑन होगी जी मशीन, अभी सबसे पहले है ना इसमें लगाएंगे जी बल्ब, चेक करते हैं। बल्ब वगैरह भी ओके हो गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मशीन वगैरह तो मैं ले आया था घर अभी, तो क्योंकि मशीन जो है ना सिर्फ कुछ यूज़ हुई हुई है, एक तकरीबन 1 एच हुआ हुआ है, एक दफ़ा एच कराई है जी बंदे ने, चेक करें मशीन माशाल्लाह से। और अभी जल्दी से आ रहा है इसकी सेटिंग वगैरह चेक करते हैं जी, सेटिंग इसकी जो है वो ओके है कि नहीं, क्योंकि बंदा कह रहा था इसकी सेटिंग चेक कर लेना कि इसके जो पॉइंट वगैरह ना पूरा कंप्लीट कर रही है, 37.8 कर रही है कि नहीं। अभी तो जल्दी से है ना मशीन की सेटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, सेटिंग तो मुझे नहीं पता, वीडियो देखनी पड़ेगी किसी की, उसके बाद है ना इसकी करते जी सेटिंग। अच्छा दोस्तों, हमारे जो इनक्यूबेटर की है ना वो सेटिंग हो गई है जी कंप्लीट, चेक करें बकाया जो ट्रे वगैरह ऊपर पड़ी हुई है और जाली वगैरह भी पड़ी हुई है। अभी आपको मैं चेक भी कराता हूँ, जो टेम्परेचर चल रहा है ना वो चल रहा है जी 33। अभी मैं आपको इसको खोल के भी आपको है ना चेक कराता हूँ जी। ये है जी मशीन हमारी, ये चेक करें, अभी बल्ब लगा हुआ जी अंदर, ये रहा इसका बल्ब, क्योंकि अभी हमने है ना जो काम करना है, अभी हमने इसको शिफ्ट करना है जी अंदर यूपीएस वाले रूम में, ये जो रूम हमारा जो अंदर है ना इस पे यूपीएस सिस्टम हुआ हुआ है, अभी हमने है ना इनक्यूबेटर को अंदर शिफ्ट करना है और इसके अंदर हम लगाएंगे जल्दी से लगाते हैं जी अंडों को। दोस्तों, हमारी जो मशीन है ना वो बिल्कुल ओके हो चुकी है, अभी जल्दी से है ना इसके अंदर जो बर्तन वगैरह ना इनके रखते जी इसके अंदर, ताकि अभी इसके अंदर है ना अंडे वगैरह शिफ्ट करें जल्दी से। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले है ना ट्रे को रखते जी इसके अंदर और पानी वगैरह हम भरेंगे जी इसके अंदर, ताकि जो पानी वगैरह ना सेटिंग इसकी जो बनी हुई है पानी की, इसमें हम पानी डाल लेते हैं जल्दी से। ये राजी पानी, पानी को हम अंदर डाल लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ना वो सही इसका काम वगैरह करे। काफ़ी है जी पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो काफ़ी है इसके लिए पानी, अभी है ना ट्रे वगैरह भी है ना शिफ्ट करते हैं जी। ये रही जी ट्रे, इसकी इसकी ट्रे को रखेंगे जी अंदर, और ये रहा जी टेम्परेचर थर्मामीटर इसका। अब आ रही है दोस्तों इसके अंदर अंडे वगैरह शिफ्ट करने के, अभी जल्दी से है ना अंडे वगैरह मैंने है ना रखे हुए थे बाहर निकाल के, अभी जल्दी से है ना अंडे शिफ्ट करते हैं जी इनक्यूबेटर के अंदर। अच्छा दोस्तों, हमारे जो अंडे वगैरह ना वो इनक्यूबेटर में लग चुके हैं, बकाया कोशिश करूंगा दर्जन ही अंडे कल मैं लेके आऊंगा अपने लिए, और ताकि ये है ना मशीन जो है ना वो 40 अंडों वाली मशीन है,
अभी इसमें हमने टोटल जो अंडे रखे है ना वो गिन के है ना 10 अंडे हैं, क्योंकि हमारे पास जो अंडे थे ना वो असील मुर्गियों के थे और देसी मुर्गियों के थे। भाई ऐसे गोल्डन मुर्गियों के मैं कल अंडे लेके आऊंगा, वो हम शिफ्ट करेंगे जी इस वाली मशीन में। अभी जल्दी से है ना इस मशीन को हम करेंगे जी बंद, ताकि जो है ना हमारे अंडे वगैरह है ना टेम्परेचर स्टार्ट हो जाए। और मैं अभी जल्दी से है ना एक कागज वगैरह ले गया, तो उस पर हम अपनी है ना डेट वगैरह भी लिख लेंगे जी कि हमने कब अंडे शिफ्ट किए थे जी इनक्यूबेटर में। तो अभी मैं जल्दी से ना एक कागज ले आया, तो पर्ची वगैरह। अच्छा दोस्तों, इनक्यूबेटर में ना अंडे मैंने शिफ्ट कर दिए थे, और जो मैंने तारीख वगैरह के लिए बोर्ड है ना वो मैंने ये बना लिए चेक करे। आज 30 अप्रैल मंगल, और पहला तकरीबन 20 दिन मैंने है ना इसमें लिख दिए हैं। अब जब भी है ना रोजाना का रोजाना दिन गुजरता रहेगा ना, हम तो इस पे है ना एक एक तारीख गुड करते जाएंगे। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमने अंडे कब रखे थे, और हमारे जो हैचिंग है ना इंशाल्लाह अच्छी आएगी। चलते जी अभी बाहर अपने मुर्गियों के पास। अच्छा दोस्तों, अपने जितने भी बर्ड है ना और तोते वगैरह उनको मैंने निकाल दिया बाहर। तोते वगैरह को मैंने अभी बाहर शिफ्ट कर दिए, बाहर निकाला थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे जो तोते हैं ना वो आराम से इधर घूमे फिरे। और बाकी बर्ड वगैरह को तो मैंने खोला हुआ था, बतखों को भी खोला हुआ था, और जो थी हमारी है मुर्गियाँ अभी इनको बंद किया हुआ मैंने इधर, ताकि है ना आपस में कोई इंतजार ना फैले आपस में औरतों का। क्योंकि आपको पता होते हैं हर जगह इंतजार फैलाती हैं, लड़ाई वगैरह कराती हैं। तो अभी मैंने परिंदों वगैरह को दूसरों को बंद किया हुआ था। आ जाओ गुस्सा नहीं, आ जाओ चले जी, आ जाओ आ जाओ ये चीज़ मैं तो हमारे जो मिट्ठू है ना अभी भूखे हुए हैं, अभी मैंने इनको फीड डाली है, इसके बाद फिर भी है ना भाग रहे हमारे पीछे। आ जा जी और दूसरे वाला अभी लटक रहा है, देखिए उसके कहा मिट्ठू आ जा नीचे हो जा, नीचे हो वो झूले लेने लगे उसे, नीचे नहीं पता नीचे आना किस तरह है। ये देख, आ जा मिट्टू मेरी जान आ जाओ ना आ जाओ जी। ए जी हमारे जो है ना तोते हमारे पास आ गए। क्या हुआ, अभी फीड आपको मैंने डाली है ना, रोटी मैंने भी आपको डाली थी ना, फिर ये देखे जी कैसे। अच्छा मैंने उस दिन एक और तोता लिया था जो एक बंदे के लिए, तो वो बिल्कुल सीधा साधा, ये हमारे जा भी देखो। अच्छा दोस्तों, हमने जो एक दर्जन चूजे लाए थे ना उसमें से ये एक चूजा बाकी रह गया, बाकी जो मारे है ना सब मर गए। अभी ये बेचारा है ना शोर वगैरह डाल होता, जब देखो अभी इसको है ना थोड़ा सा दाना वगैरह डाल के ना पिंजरे में बंद करते हैं जी, नए वाले केज में अपने इन केज में बंद करेंगे जी। अभी जल्दी से मैं इनको थोड़ा सा बाजरा वगैरह भी डालता कि है ना खाता रहे। चलो जी अभी मैं आपके लिए बाजरा लेके आता हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।